जाकी रही भावना जैसी होता है। एक बार राम जी महाराज बैठे थे, बाण को घिस रहे थे और इतने में ऊपर से एक बंदर राम जी के मुंह पे पूंछ मार रहा था। लक्ष्मण जी ने 3 बार भगा दिया, चल। फिर लक्ष्मण जी ने भगाया, फिर भगाया, फिर वो पूंछ मारने आ गया। अब की बार लक्ष्मण जी को गुस्सा आ गया, लक्ष्मण जी ने धनुष बाण उठाया, अरे मूरख, मेरे प्रभु के मुख पर तुम पूंछ मार रहे। राम जी ने कहा, लक्ष्मण क्या कर रहे? लक्ष्मण जी बोले, ये तुम्हारे मुंह पर पूंछ मार रहा है, तुम्हारे सिर पर पूंछ दे रहा है बार 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 बार, इसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी बोले, गुस्सा मत कर, कपि की ममता पूंछ में, जिसके पास जो होता है वो वही देता है, उसके पास ममता पूंछ में है, इसलिए वो अपनी ममता मुझे दे रहा है। तू समझ नहीं पा रहा, हम समझते नहीं। हम हमारी प्रति से होता है। एक बच्चे ने अपनी मम्मी से कहा, मम्मी कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मम्मी ने पूछा, क्यों नहीं जाएगा? बस नहीं जाना तो नहीं जाना। अरे तू तो स्कूल क्यों नहीं जाएगा? मम्मी मिस ने बोर्ड पर लिखा महाभारत, फिर मुझसे पूछ रही किसने लिखा। मैंने कह दिया, मिस आपने लिखा। तो मिस ने मुझे टेबल पे खड़ा करके हाथ में स्केल मारे, अब मैं नहीं जाऊंगा। तो तूने गलती करी ना? तो मैंने क्या गलती करी? मिस ने तो लिखा था ब्लैक बोर्ड पे महाभारत, और मुझसे पूछ रही किसने लिखा। तूने लिख दिया, बोल दिया आपने लिखा। अरे मूरख, मिस पूछ रही थी महाभारत किसने लिखा, तो अभी भी तो बोल रहा हूं मिस ने लिखा। अरे मैं पूछ रही हूं महाभारत ब्लैक बोर्ड पे किसने लिखा, तो क्या मिस ने लिखा था। तो मिस ने क्या पूछा तेरे से? तो क्या ये मिस से पूछ रही थी कि महाभारत किसने लिखा। बस मैंने इतना कह दिया, आपने लिखा, और मिस नाराज हो गई। बच्चों की दृष्टि में वो कर्म जो कर रहा है वो श्रेष्ठ है, पर हम अपनी दृष्टि से अपने बच्चों को उस कर्म से वंचित कर उसको बताएं कि मार्ग की सुलभता क्या है, श्रेष्ठता का मार्ग क्या है, सहजता का मार्ग क्या है, हम उसको बताएं। भगवान शिव की कथा कह रही है, बाबा भोलेनाथ जी की करुणा सागर प्रभु की कथा कर रही है। नारद जी महाराज ने तप करा, तप कर देवऋषि नारद सबसे पहले पहुंचे। अगर काम को जीतने के बाद पहुंचे तो भगवान भोलेनाथ के पास पहुंचे और शंकर जी से जाकर कहे, देखो ए शंकर, ए भोले, ए त्रिकालदर्शी, ए कैलाशी, ए अविनाशी, देखो जिसको आप नहीं जीत पाए उसको मैंने जीता है। भोलेनाथ जी ने मन में सोचा, ठीक है, बहुत भोला होता है मेरा शिव, बहुत भोला होते। हम तो कई लोगों से कहते हैं, शंकर जैसे भोले रहो। जो बहू बहुत समझदार होती है ना, बहुत समझदार, घर में दो तरह की बहू होती है, एक समझदार, एक में अकल नहीं होती। जो बहू ज्यादा समझदार होती है तो पूरी शादी में, ब्याह में, पार्टी में जो समझदार रहे वो ताला चाबी लगाती फिर है, मामा जी आए कि नहीं आए, काका जी आए कि नहीं आए, फूफा जी ने रोटी खाई कि नहीं खाई, बुआ जी आई कि नहीं आई। जो समझदार बहू है वो सबको संभाल रही है, और जिसमें अक्ल ही रही वो सबसे पहले डेंटिंग पेंटिंग करके वो भेट में मार निपटा के वो ले, उसको क्या करना। तो कई लोग कहते हैं, बहनों कह देती तुम्हारी छोटी बहू में तो अकल नहीं है, और जिस बहू में अकल नहीं है वो सबसे ज्यादा आनंद में, और जिसमें अकल है भैया जो पागल है उसको भी हिस्सा मिलना है, जो समझदार है अरे बोलो तो उसको भी हिस्सा मिलना है। तो जो ज्यादा समझदार रहता है उसको पूरा घर संभालना पड़ता है, और जो समझदार नहीं रहता अपनी मस्ती में जीता है। आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, खाओ पियो आनंद। लोग कहेंगे, बताओ ये उनके घर की बहू, इसको तो वहां बैठना चाहिए, और ये बताओ ये तो खाने में लगी है। लोग कहेंगे इसमें तो अक्ल नहीं है, और जिसमें अक्ल नहीं वो सबसे ज्यादा सुखी, सबसे, और जिसमें अक्ल वो लगी। तुम देखो घर में ही देख लो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार थी वो सबसे आखिरी में मेहंदी बंटवाती शादी में,
सही है कि गलत है? अरे बोलो तो, जो बहू सबसे ज्यादा समझदार होगी शादी में आखिरी में मेहंदी बंटवाएगी। जो बहू ज्यादा होता है, हमारे घर में कोई एक व्यक्ति को हम समझदार मानते हैं, कई बुआ को बोल देते हैं, जीजी को बोल देते हैं, अरे बुआ जी तुम हमारे गांव में बहुत समझदार हो, तो तुम समझदार हो तो जरा सब सामान संभालना। अब बुआ जी बेचारी सब सामान संभाल रही, कपड़ा भी संभाल रही, देवर भी संभाल रही, मायरे में जो आया वो भी संभाल रही, और बहुएं खूब आनंद से एंजॉय कर रही। तो बुआ जी बोल रही कि चिल्लाते तो मेरे को भूख लग रही, बुआ जी तुम बैठे रहे ना सामान, तुम पे बड़ा विश्वास, तुम संभालना। अब बुआ जी तो जैसे बुआ जी को दो चार साड़ी ज्यादा मिलेगी, संभाल रही संभाल, क्योंकि सबको मालूम है ये समझदार है, समझदार है तो संभालेगी, पूरा शादी का काम संभालेगी। आखिर में जाएंगे जब एक साड़ी सबको देंगे, इसको भी देंगे, इधर कर दे। तो क्यों बनो समझदार साहब? यहां तो शास्त्र कहता है मीरा कर्मा ध्रुव प्रहलाद नामदेव जितने जितने भारत की भूमि पर संत हुए सबको लोगों ने पागल कहा। मीरा पागल, मीरा को लोग कहते थे बांवरी। रामकृष्ण परमहंस जी को लोगों ने कहा दिया ताने देकर, ये तो पागल। संत तुकाराम को, नामदेव जी को, मुक्ताई को, जितने जितने भारत की भूमि पर संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक हुए इन सबको लोगों ने पागल कहा। यहां तक कहते हैं कथा बाँचने वाला भी पागल, कथा करवाने वाला भी पागल, और कथा सुनने वाला भी पागल। समझदार तो वो है जो दुकान छोड़ के कथा में नहीं आए, वो सब समझदार, क्योंकि दिन भर कमाने में लगे और अपन आनंद कमा कमा। फिर वही वाली बात आ गई, देखो पहले दिन वाली, राम राम सत्य, खुद की औलाद खुद की छाती पे पैसा फेंकेगी आखिरी दिन, और कल्ले ठट होके पड़े रहोगे और कुछ नहीं उठा सकोगे, क्या करोगे करोगे। हे भगवान, जरा है